नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री। तो चलिए आज नया वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। रेडमी की तरफ से नया अपडेट है, रेडमी नोट 8 प्रो। ये फ़ोन 8 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आज इसी फ़ोन के बारे में बात करते हैं, फ़ोन का प्राइस क्या होगा, फ़ोन का डिटेल्स क्या होगा। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग इस फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल्स जान जाएंगे। तो आप लोगों को फिर आप लोग डिसीजन लेना कि आप लोगों को फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नया वीडियो पाने के लिए ज़रूर बेल आइकन दबाएं दोस्तों। तो चलिए आज इसी फ़ोन के बारे में बात करते हैं, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। डिस्प्ले जो होगा 6.39 इंच फुल वेजललेस डिस्प्ले होगा, एमोलेड डिस्प्ले, एंड इसका रेजोल्यूशन जो होगा 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन होगा। प्रोसेसर जो होगा दोस्तों, यहाँ पे पावरफुल प्रोसेसर नया दिया है। आप लोग गेम अगर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। प्रोसेसर जो होगा वो मीडिया टेक हेलियो G990T ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा, और ग्राफिक्स कार्ड जो दिया है इन लोगों ने G76MP4 ग्राफिक्स कार्ड होगा। रैम जो होगा वो होगा 6 GB, स्टोरेज होगा 128 GB। आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, लगा के आप लोग 256 GB तक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे इसमें बड़ा जो हाईलाइट है, ये इन फोन का कैमरा जो होगा 64 मेगापिक्सल कैमरा, वर्ल्ड का फास्ट इतना बड़ा मेगापिक्सल कैमरा लॉन्च होने वाला है दोस्तों। सैमसंग का लेंस होगा, क्वाइट कैमरा सेटअप होगा, 5 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल कैमरा होगा, और पीछे एक छोटा सा LED लाइट भी होगा। और इसमें फ्रंट कैमरा जो होगा दोस्तों, फ़ोन का 25 मेगापिक्सल कैमरा होने वाला है दोस्तों, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं किया इन लोगों ने। पॉपअप सेल्फी होगा या 5 वोल्ट डिस्प्ले के साथ ये कैमरा लॉन्च होगा, लो लॉन्च होने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा। इसका बैटरी जो होगा वो 4000 mAh का बैटरी होगा, क्विक चार्ज को ये सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ V5.0 सपोर्ट, USB पोर्ट मिलेगा, माइक्रो USB पोर्ट, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के ऊपर मिलने वाला है दोस्तों। और इसमें हम लोगों का सबसे प्यारा ऑडियो जैक 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतने तक था, मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो पर। नमस्कार।